दबड़ती 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 बड़े मियां साहब। हाँ जी। यार कॉल आया नहीं, मैं सुन ही नहीं सकया। अच्छा, सुता होया सा ना। ओ मैं सुता पे के मैं सुनदा। ठीक है। उठया ते मैं करके वेखिया, मैं के यार कॉल आ ठा मारी ये कॉल। मैनू कहंदे ने उठ पे हैं, खोल गई अख। मैनू कहंदे ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। अच्छा जी। मैं के आर्डर लाओ सर, होया की है? कहंदे ने सूट केस बड़े भारी ने। मैं हैरान हो गया, मैं क्या सूट भी उन्होंने बड़े ने, केस भी उन्होंने बड़े ने, मतलब केड़ी दी गल कर रहे हैं। खैर मैं को पूछा, गवारा नहीं किया, मैं क्या अच्छा नहीं लगता। कड़े डाला एयरपोर्ट तैयार है, तो बैठा थे एयरपोर्ट पहुंच गया हीथ्रो। आगे मैं घर जाके देखा थे सूटकेस ट्रंक ओ बक्से। अच्छा। कपड़े वाले सूट 14 सूटकेस कलार के बैठे। अच्छा। हाँ कपड़े रख रहे सन। मैं माशाल्लाह सर मुबारक होवे, पाकिस्तान जान की तैयारी है। मैनू कहंदे ने तेरे पैर ते पैर में एडी जोर दी मारना है कि तेरी चीख यूनान ही सुनाई दे। मैं कह सर सॉरी, मैं वैसे थोड़ा प्यार ना गल कर रहे। कहंदे ने भी कपड़े लैदा लैदा कर रहे हैं। गर्म कपड़े जो है वो मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा। और सर्द कपड़े मैं वापस डाल रहा हूँ। अच्छा। मैं कह सर वेरी गुड है। कहंदे ने मेरे नाल बह के सेटिंग करा। 14 बक्से सारा कुछ 12 बक्से फिट कर दिता है। ठीक है। 6 बक्सों के गर्मियों कर दिता, 6 सर्दियां ले कर देते हैं, 2 अटैच केस तुहाड़े बिरा नूं बच गए। क्या बात है। हाँ लेकिन नहीं बचन देते उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा शबाश श्री साहब वास्ते कपड़े ले जाइए ना छपा के। अच्छा ठीक है। वो भी मेरे हाथों गए। ठीक है। खैर बंदे बड़े नाइस है गए ने। मैंने कहंदे ने कॉफी बनाई है। अच्छा। हाँ लेके गए ने थे जाके, कॉफी पिलाई ने, बिस्कुट में 2 चुके ने, फिर मैं रुक गया। अच्छा। मैंने कहंदे ने खा यार, ये कोई इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर हाउस थोड़ी है। फिर मैं थोड़े जे खाधे ने, थोड़े जे हल्के जे, मैं क्या सफर वास्ते भी ले लवा। बिल्कुल। अचानक मैंने कहते ने सुना रावलपिंडी इस्लामाबाद कैसियां हवावां चल रही ने। मैं क्या सर सर्द मौसम में ची गर्म हवावां चल रही ने। कहंदे नहीं मैं समझा नहीं की कहना चाह रहे हैं। मैं क्या सर उत्थों दी हवावां कह रही ने कि हमारे साथ डील बना लो। अगर हमारे साथ इसी तरह डील करते रहोगे तो कोई और डील बना लेगा। जी सर खाली तकरीर भाई जान कुछ भी नहीं कदी तकरीर आले पासे गए ही नहीं। जो कह दिता कर दिता। देखो ना पीटीआई दे विच असले टॉप टॉप जा रहे हैं। yes. ते वजीर आजम साहब दी वजह तो सी 14 कप भी नहीं पी सकते। 12 रुपये दा हो गया सर। हां पर जेड़ा भी बंदा लगदा ओ 10 रुपये ते दे देंदा है। 2 रुपये खुले कित्थों देवे। हां 2 रुपये खुले पा के कित्थों चाह पीवा। बहरहाल दुआवां दे रहे हैं जी। फन हेल्थ कार्ड दींदे पए 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया मिलेगा इंशाल्लाह। तू बीमार होने वाला बंद इंशाल्लाह। उसके बाद राशन कार्ड मिलता पे। जी सर। मजदूर कार्ड मिलता पे। किसान कार्ड मिलता पे। इंशाल्लाह जेड़े गरीब लोग तले हैं उन्होंने इंशाल्लाह ताला 1.5 करोड़ घराना नु माशाल्लाह मिलदी पई है। घबराओ नहीं। लेकिन मस्ती खेल साहब तेरे नाल मोहब्बत करदे, तेरी इन्नीया गल्लां सुनियां ने। मेरे फ्रेंड है ने जदों ही गया अल्लाह दे हुक्म नाल एडे प्यार नाल जफ्फी पाई ने और रोटी खवाई ने, बिल मैं ही दित्ता। नहीं अफजल गल सुनो, तू बेचारा रहा लाहौर, तेरा कसूर को नहीं। वो सारे पासे आ तेन भुने गोश्त खवाऊं, तेन बकरे खवाऊं, जो खवाऊं। मैं बर्थी केड़े दौर दे मैंने दस देखना। सर मजाक अपनी जगह, लेकिन भाई जन को जो भी गए ना जी, ऐसा छोटा जा बकरा पका के खवाया ने, उस तो बाद मेरे ते परचा कराया ने भी नहीं चोरी करके। बड़े नाइस मैन है ने सर। एक फोटो हो जावे क्योंकि रह गए 1.5 साल। पुलिस वाले पुलिस के खिलाफ तो पर्चा नहीं देंगे। नहीं 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 दे देंगे दे दे सर। अच्छा, जमाना आ गया। अच्छा, अच्छा। मैडम कह रही है माशाल्लाह अलीना जी आए ने ते जस्सी आई ने। सिगली सानू आप नहीं पता लग रहा। बड़े दलेर अफसर। अच्छा जी। इन्होंने अपने इलाके दी सारियां चिड़ियां फड़ के उन्होंने पार कट दिते। मैं कहा ये की कीता? कहिंदा हुण कहण वाले ते बणेंगे ना मेरे इलाके च चिड़ी पर नहीं मारदी। और उस तो बाद मैं चिड़िया के पर कट्टे ने, फिर अपने इलाके के सारे बंदे के वाल कट्टे ने टिंडे करके गंजे करके। सर जी इजाजत है, जाओ चलिए।
आपकी गाड़ी के पीछे नहीं होगा, आप डाले के पीछे वाली साइड पे। मैं तो डाला माल रखता नहीं, मैं जमींदार हूँ यार, मैं वो सनदकार तो हूँ नहीं। आपने कभी अलीम खान साहब को और जहांगीर तरीन साहब को एंटरेज देखा है? उनके पीछे काफी डाले होते हैं। उनके पास पैसा सरमाया है, ले सकते हैं। अच्छा, जिनके पास पैसा हो ले सकते हैं जी। हाँ। अगर इन्होंने को माल शाल बनाया तो ये भी नहीं है। सर ये किधर आपको लगता है माल बनाया? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो रॉइन 20 का आगाज करते हैं। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अमजद अली खान, अफजल खान ढांडला और फरोख हबीब। तो ये बताएं तस्वीर किसके साथ है? तस्वीर में फरोख हबीब के साथ। फरोख हबीब के साथ जी। किसको आप मुस्कुरा के देख रहे हैं? अमजद खान को। अमजद खान को। और किन का फ्लोर आ गया है? अफजल खान ढांडला। वो डॉक्टर मेरे भाई हैं, मेरे इलाके के हैं, मेरे हल्के के हैं। ठीक है, तो उनका फ्लोर आ गया हुआ है अपने इलाके के। सर ये बताएं, कोई तीन नाम आपने मुझे बताने हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जिनको आप देखना चाहेंगे, जो नून लीग से हो या पीपल्स पार्टी से हो। कमर जमान कारा बड़ा मुदब्बर आदमी है जी, पीपल्स पार्टी से है जी। राणा सनाउला कैपेबल आदमी है, ठीक है, ज़हीन आदमी है। ओके, एक और नाम बताना है आप। खुर्शीद शाह साहब, लोग तो कहते हैं ना सर कि खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ मुकदमा, मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है क्या है क्या नहीं है। वो भी मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में जो उसकी तकरीम और इज्जत है, बड़े कम सियासतदानों को नसीब। ठीक है जी, खुर्शीद शाह साहब को भी चाहेंगे, ये पीपीटीआई में है तो कोई बुरा नहीं है। सर चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट के अंदर, दो सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पर किसी और को लेकर जा सकते हैं, लेकिन जिनको चांद पर लेके जाएंगे वो शख्स वापस नहीं आ पाएगा। किसको चांद पर छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब शेख रशीद अहमद और शहबाज गिल। शेख रशीद पाकिस्तान का सासा है। अच्छा, शहबाज मेरा भाई, छोटा भाई है, अभी पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बाहर का पढ़ा हुआ है, अभी उनके पास काफी वक्त है। अच्छा, तो शहबाज गिल साहब आप चांद पर जाएंगे। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। डॉक्टर फिरदौस मेरी पुरानी कुलीग है, मेरी बहनों की तरह हैं। इतना लंबा जो जा रहे हैं तो माहिरा खान के एक्सपीरियंस से भी मैं फायदा उठाऊंगा। माहिरा खान आपके ख्याल में क्या पहले बैरी जहाज चलाती रही है? आई डोंट नो कि क्या चलाती रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये चाहता इतना लंबा जो जाऊं ताकि मैं उनसे कोई इंटरेक्शन करूं, उनसे ये पूछूं। आप क्या फिर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान से गप्पे मारनी? ठीक है माहिरा खान जी, ये बताएं सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो लाइफ जैकेट दूसरी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीना वकार और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार मेरे भाई हैं, चाहे अच्छे इंसान हैं, अल्लाह उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, मेरी उसके लिए दुआ है जी। अलीना चूंकि बच्ची है, मेरे साथ बैठी है जी, जी। को गेस्ट है, बिल्कुल इनको दूंगा जी, इनको देंगे। ठीक है, देख लिया अलीना, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को छोड़ के आपको ले दिया जी। अलीना, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब मौलाना फजल रहमान और जनाब शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद को करेंगी। लिफ्ट में एंटर हुई, तीन लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फहद मुस्तफा, अली जफर और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी जो है मेरे ख्याल से फवाद खान के साथ ही। ठीक है, स्माइल किनको? अली जफर। अली जफर को स्माइल दे रही हैं और फ्लोर आ गया है फहद मुस्तफा का। ठीक है, ये बताएं टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, दो वीआईपी पास है, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती, किसको अपने साथ टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब शहबाज शरीफ। मुश्किल सवाल है बड़ा। आप चाहें तो जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं अगर आप चाहें। मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ साहब, ये देखिए नहीं नहीं, बस जो भी है वो देख रहे हैं कि मियां शहबाज भी शहबाज है। शहबाज है, ठीक है। ये बताएं फिर, डूबती कश्ती में आप भी सवार, दो लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रही है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद खान और जनाब सनाउला मस्ती खेल। बिल्कुल इन्हीं को दूंगी, इन्हीं को। ओए होए होए, सनाउला मस्ती खेल साहब, थैंक यू। फवाद खान को आपने डबो दिया। उन्होंने भी देखा अपने दो वजीर यार डबोता, उन्होंने तो ये भी है फेवर रिटर्न किया उन्होंने। सनाउला मस्ती खेल साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। अलीना, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।